अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल है किचन इन ट्रेडिशनल स्टाइल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे स्नैक जो बहुत ही हेल्दी है, ग्रीन वेज कटलेट। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इन माय स्टाइल। इसके लिए ले हम पालक थोड़ा सा, जिसको हमने अच्छे से धुल के रख लिया है। 2 बॉयल पोटैटो, हरा धनिया, 1 कप मटर, ब्रेड क्रम्ब, कॉर्नफ्लोर, एक छोटी गाजर जिसे हमने ग्रेट कर लिया है, एक शिमला मिर्च इसे फाइन चॉप कर लिया है, 6 से 7 हरी मिर्च इसे भी हमने फाइन चॉप कर लिया है, जिंजर गार्लिक जिसको हमने ग्रेट कर लिया है, गरम मसाला, आमचूर पाउडर, नमक, जीरा पाउडर। तो चलिए ग्रीन वेजिस कटलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। पानी बॉयल किए हैं हम, उसमें हरा मटर ऐड करेंगे। हमने 1 कप मेजरमेंट कप से हरा मटर लिया है। इसी में हम पालक को भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब इसे हम 2 मिनट्स के लिए बॉईल कर लेंगे। पालक और मटर अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम इसे स्ट्रेनर से छान लेंगे। पालक और हरे मटर को हम नॉर्मल वाटर से वॉश कर रहे हैं। पालक को निचोड़ के हम उसका पानी निकाल लेंगे। पालक और हरे मटर को हम ग्राइंड कर लेंगे, जिसको हमने बॉईल कर लिया था। ग्राइंड करके हम इसका पेस्ट बना लिए हैं। पैन लेंगे, उसमें ऑयल ऐड करेंगे थोड़ा सा। ऑयल गर्म हो गया, उसमें हम 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड किए हैं, 2 स्पून ग्रेट किया हुआ जिंजर गार्लिक ऐड करेंगे। हरी मिर्च ऐड करेंगे, गाजर ऐड करेंगे, शिमला मिर्च ऐड करेंगे, वेजिस को हम सॉटे कर लेंगे। इसे ओवर कुक नहीं करना है। ओवर कुक करने की वजह से इसका क्रंचीनेस ख़त्म हो जाता है। इसे बस थोड़ा सा हमें कुक करना है ताकि इसका क्रंचीनेस ख़त्म ना हो। वेजिस सॉटे हो गए हैं। उसमें मसाले ऐड करेंगे, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, आमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, इसे मिक्स कर लेंगे। पालक और हरे मटर के स्टफिंग में हम सॉटे की हुई वेजिस को ऐड करेंगे। बॉयल की हुई पोटैटो को हम इसमें ग्रेट कर लेंगे। स्टफिंग में हम हरा धनिया ऐड करेंगे, इसको हम कट कर लिए हैं। 3 टेबल स्पून हम इसमें ब्रेड क्रम्ब ऐड करेंगे। 3 टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। दोनों की क्वांटिटी हम सेम लिए हैं। अच्छे से अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। नमक को आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर लीजिएगा। स्टफिंग का अब हम कटलेट बना लेंगे। पहले हाथ पे तेल अप्लाई कर लेंगे। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। अब इस पे काजू ऐड करेंगे। सारे कटलेट को हम इसी वे में प्रिपेयर कर लेंगे। ग्रीन वेज कटलेट रेडी है। अब हम इसे सैलो फ्राई करेंगे। पैन में ऑयल लिए हैं, अब हम कटलेट को सैलो फ्राई कर लेंगे। कटलेट को हम दूसरी साइड से पलट लेंगे।
कटलेट सैलो फ्राई हो गया। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। दिखने में बहुत ही टेस्टी है, खाने में उतना ही हेल्दी है। ग्रीन वेज कटलेट रेडी है। आपको ये मेरा कटलेट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत ही हेल्दी होता है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।